अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर दुनिया के तमाम समंदर जम जाएं तो क्या होगा यकीनन आप सब लोग समुद्रों की अहमियत से वाकिफ होंगे कि हमारी जमीन का नाइनटी पानी समंदरों में मौजूद है और हमारी ज्यादातर तिजारत भी समंदरी रास्तों से होती है इसके अलावा हमारी बहुत सारी खुराक भी समंदर से आती है तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होगा अगर तमाम समंदर जो है वो जम जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि तिजारत पर इसका असर क्या होगा दुनिया की तकरीबन 80 परसेंट तजारत जहाज़ों के जरिए होती है तो आलमी सतह पर तजारत पर तो बहुत ही ज्यादा गहरा असर होगा इसके अलावा दुनिया का आधा तेल जो है वो समंदर के जरिए एक मुल्क से जो है वो दूसरे मुल्क में जाता है तजारत बंद होने की वजह से जो है वो तेल की कीमतों में भी बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा जिसकी वजह से आलमी माशत भी तबाह हो जाएगी इसके बाद है बेरोजगारी तो माहर या आबीत के संतु में काम करने वाले तकरीबन पांच करोड़ और साठ लाख अफराद अचानक से बेरोजगार हो जाएंगे अगर हम इसके पौधों पर असरा के बारे में बात करें तो समंदर मुन जमीद हो जाने का एक मतलब ये भी है कि पौधों की तमाम की तमाम स्पीशीज जो है वो खत्म हो जाएंगी इसके अलावा हरियाली जो है वो नापैद हो जाएगी क्योंकि तमाम समंदर जब मनजमिद हो जाएंगे तो दर्जा हरा जो है वो बहुत ही नीचे चला जाएगा पौधे पानी की कमी की वजह से जो है वो खत्म हो जाएंगे जिसके बायस कार्बन डाइऑक्साइड में कमी आ जाएगी ताहम आते कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होने में मदद मिलेगी लेकिन इसकी मदद से जमीन को गरम करने और बर्फ को पिघलने में लाखों साल लग सकते हैं दुनिया के तमाम समंदर मून हो जाने का एक मतलब ये भी है कि जमीन पर बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि समंदरों का पानी जो है वो भाप बनकर ऊपर उड़ता है और फिर वही बादल में तब्दील होकर नीचे बारिश की शक्ल में बरसता है लेकिन जब दुनिया के तमाम समंदर जो है वो मुंजमिद हो जाएंगे तो पानी जो है वो भाप बनकर नहीं उड़ सकेगा और इस वजह से जो है वो बारिश भी नहीं होगी और इस बारिश ना होने की वजह से जो है वो हर तरफ खुश्क साली हो जाएगी और कई सालों तक जो है वो बारिशें नहीं होंगी तो इसके वजह से जो है वो इंसान और जानवर जो है वो कई वबाई अमराज का भी शिकार हो जाएंगे हमारे माहौल में मौजूद ऑक्सीजन का 50 पचास से पचासी फीसद हिस्सा समंदरों का है तो अगर तमाम समंदर मजमद हो जाएं तो कई जानवर और इंसान जो है वो ऑक्सीजन की कमी से मर जाएंगे